हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन रुद्रिका क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग फॉर्मूले से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, कभी कभी एग्जाम में वो अलग अलग फॉर्मूले दे सकता है, वो आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दे के पूछ सकता है, कंडेंस्ड फार्मूला दे के पूछ सकता है, मॉलिकुलर फार्मूला दे करके पूछ सकता है। ठीक है ना, तो हमें यही जानना है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखते हैं, वो तो आपने पिछले वीडियो में देख भी लिया है, फिर भी हम एक बार उसे और अभी यहाँ पे रिवाइज कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंडेंस्ड फार्मूला की और अल्टीमेटली लास्ट में मॉलिक्यूलर फार्मूला की। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपने ये कह दिया कि पेंटेन, बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं पेंटेन। ठीक है ना, आपको ये पता है कि पेंटेन का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 5 कार्बन हो गया और सभी, क्योंकि स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब होता है कि हम हर एक एलिमेंट को पूरा ओपन, सभी एलिमेंट के हमें बॉन्ड को शो करना होगा, इसका ध्यान हमें रखना होता है। ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे मान लीजिए ये आपने बनाया, ये क्या है, पूरा ओपन स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन इसमें अटैच है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, आप इसको लिख भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंडेंस्ड फार्मूला की। एक चीज केवल ध्यान रखना है कंडेंस्ड फार्मूला, क्योंकि नाम है कंडेंस्ड, यानी हम कहीं ना कहीं से कोई चीज बहुत दूर दूर रखी हो, हम उसको पास कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो हम जब भी कंडेंस्ड फार्मूला लिखते हैं तो हम वर्टिकल बॉन्ड को शो नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। कंडेंस्ड फार्मूला में हम क्या करते हैं, किसी भी वर्टिकल बॉन्ड को, जैसे मान लीजिए इसमें हम जो ये बॉन्ड दिख रहा है और ये बॉन्ड दिख रहा है, ये कौन सा है, वर्टिकल बॉन्ड है। ये बॉन्ड ऊपर और नीचे के जो भी बॉन्ड है इस तरह से वर्टिकल लाइन में, उन्हें हम वर्टिकल बॉन्ड कहते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है ना, और हम जो भी रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल करते हैं पहला, और फिर क्या हम करते हैं कि जो हाइड्रोजन है और कार्बन है इसके बीच का बॉन्ड हम नहीं दिखाते हैं। ठीक है ना, तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि हमें वर्टिकल कुछ नहीं लगाना होता है। ठीक है ना, जो होगा हॉरिजॉन्टल होगा। जैसे यही आपके पास पेंटेन एक नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन था जिसका आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया। अब यदि इसी का कंडेंस्ड फार्मूला बोले तो कैसे बनाओगे, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस कार्बन को ध्यान रखना, इस कार्बन पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन है। यदि हम ध्यान से इसको देखें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं CH3 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है ना, फिर उसके बाद दूसरी बार हम क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन के साथ 2 है, तो यहाँ एक हम बॉन्ड लगाएंगे और इस तरह से CH2 कर देंगे। फिर से वही कंडीशन आ रही है कि यहाँ पे भी क्या है, CH2 है, फिर से वही कंडीशन, यहाँ पे भी क्या है, CH2, और लास्ट में जैसे फर्स्ट में था वैसे अब यहाँ पे आ गया CH3। ठीक है ना, तो ये आपने देख लिया कि हमने यहाँ पे किया क्या, हमने कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं दिखाया, बाकी जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है वो आपने दिखा दिया, कोई भी हमने वर्टिकल बॉन्ड नहीं दिखाया। इसी को हम कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला। एक और इसका तरीका होता है लिखने का, पहले तो ये आपने समझ लिया कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हमें शो नहीं करना, उस तरह से हम चीजों को लिखते चले जाएंगे। एक इसका तरीका और है, क्या है वो, जैसे मान लीजिए आपने लिखा CH3, ये तो एक है, CH2 आपके पास कितने हैं, 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2, टोटल CH2 कितने हो गए, 3। तो हमें इस तरह से करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे आपने एक बॉन्ड लगाया और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं CH2 और ब्रैकेट के बाहर इस तरह से 3 और फिर हम यहाँ पे कर देते हैं CH3। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये CH3 है और ये CH3 है, जो ये वाला CH3 और ये वाला, बीच का 1, 2, 3 को आपने और कंडेंस कर दिया और एक साथ लिख दिया। ठीक है ना, तो इस तरह के फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, इस तरह के फॉर्मूले को हम कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। इस तरह के फॉर्मूले को हम क्या कह रहे हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूला कह रहे हैं, क्योंकि आपने इसमें वर्टिकल बॉन्ड नहीं दिखाया और कोई भी आपने कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को शो नहीं किया। ठीक है ना, तो आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जनरली यही करना ठीक होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमें कंफ्यूजन हो सकती है, यदि आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप ये भी करना सीख जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है हमारा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी हम यदि किसी मॉलिक्यूल को, पेंटेन मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और कम से कम जगह में उसको लिखना चाह रहे हैं, बहुत छोटे से छोटा नाम उसको हम वही वर्ड से अल्फा सिंबल से दिखाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको सेपरेटली लिख देना, बस जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसको सेपरेटली लिख देना है। जैसे यहाँ हमने देखा पेंटेन, पेंटेन में टोटल कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो आप क्या लिखोगे, C5। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 3,
5 टू 7 टू 9 3 12, तो टोटल हमारे पास हाइड्रोजन इसमें कितना है 12। तो ये जो फॉर्मूला है इसे हम कहते हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है ना, आप समझ गए कि मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं अलग अलग, उन सभी को इस तरह से रिप्रेजेंट करना ही मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है। आपने क्या देखा कि टोटल कार्बन कितना था 5, तो आपने C5 कर दिया। टोटल हाइड्रोजन कितना था 12, तो आपने उसमें 12 कर दिया। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये मॉलिकुलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, हम कोई और एग्जाम्पल देख सकते हैं इस तरह से। देखिए, सीखना तो समझ में आपको आ रहा होगा। जनरली जब भी आप इस तरह के वीडियोस को देख रहे हैं तो इसमें आपको कॉपी और पेन लेके बैठना होता है जिससे आप इन सब चीज़ों को लिख सकें, क्योंकि जब आप देख रहे होते हैं तब तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि आप खुद से नहीं लिखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर ये भूल जाएगा और समझ में नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हमें एक और स्ट्रक्चरल इस तरह का फॉर्मूला मिला कि उसमें ये था जनरली, जैसे मान लीजिए ये आपने बनाया, ठीक है ना, यहाँ पे एक जो है बी आर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एच जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ आपने एक सी एल जोड़ दिया है। अब ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है तो आपको यहाँ पे पूरा दिखाना होगा सभी हाइड्रोजन के। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको सभी हाइड्रोजन को शो करना होगा, वही उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ये क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। यदि आपको कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने कार्बन है 6, और सभी सिंगल बॉन्ड से हैं। तो आपको इस तरह से फर्स्ट, जैसे फर्स्ट में हमारे पास क्या आ रहा, फर्स्ट में हमारे पास आ रहा CH3, ठीक है ना। कभी कभी CH3 को ये ध्यान रखिए, चलो उसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं। CH3 दूसरा ध्यान से देखना है क्या है, CHBr, हमें इसमें CHBr ऐसे लिखना है, ठीक है ना। आपने कोई भी वर्टिकल बॉन्ड को शो नहीं किया है, उसी कार्बन के साथ सबको अटैच कर दिया। फिर उसके बाद आप सेकंड देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है CH2, फिर यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, Cl जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से CHCl करेंगे, फिर हमारे पास एक दूसरा CH2 आ गया। तो CH2 आपने कर लिया। अब इसको हम कंडेंस करके कैसा लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, COOH लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब इसमें जैसे आपको थोड़ा और इसको छोटा करना है, तो आप ये देख रहे हो कि CH2 आपका दो बार आया हुआ है ना, CH2 दो बार आया है, तो आप इसको कंडेंस कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यदि आप इसको एक साथ लिख दोगे तो इसका पोजीशन गड़बड़ हो जाएगा। तो इस वजह से हमें इसको अब CH2 के यहाँ ब्रैकेट में करके 2 नहीं लगाना है, क्योंकि फिर इन दोनों की पोजिशन डिफर हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका एक कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। एक चीज ध्यान रखो, कभी कभी से आपने CH3 लिख दिया, कोई गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि H3 दिख रहा है यानी यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है कि कार्बन से अटैच है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कार्बन कार्बन अटैच होता है। तो हमें यहाँ क्या करना होता है कि C, आप इस तरह से भी इसको कहीं पे देखेंगे, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है H3C लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी कई कभी कभी चीजें आ जाती है, आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप और भी कई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। वैसे भी बुक में कहीं कहीं दिया होता है कि जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, कंडेंस हो गया, ठीक है ना, या मान लो यही आपको इसकी जगह ये फॉर्मूला मिल गया और आपसे कहा कि इसका IUPAC नेम लिखो, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन हमें क्या करना होगा, यदि कंडेंस्ड फॉर्मूला दे रहा है और आपसे कह रहा है कि IUPAC नेम लिखो, तो आप इस फॉर्मूले को ओपन कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे ये फॉर्मूला दिया तो इसी को इस फॉर्म में लिख लो, स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख लो, या CH3 यानी CH3 के साथ Br लगा हुआ है, यहाँ Br हो गया। तो जब आप स्ट्रक्चरल बना लोगे तब आपको IUPAC नेम लिखने में इजी होगा, ठीक है ना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज लाइक करिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।